अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आया खान है और मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ amana.com की। और आज जो प्रोजेक्ट हम लोग लेकर आए हैं अपने व्यूअर्स के लिए, उसका नाम है केबीडी टावर, जो कि 18 में लोकेटेड है। और 18 इस्लामाबाद और रावलपिंडी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और इससे पहले कि मैं केबीडी की इंट्रोडक्शन और इसकी डिटेल्स में जाऊँ, मैं चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आते हैं केबीडी टावर के इंट्रोडक्शन की तरफ। केबीडी टावर, जैसे कि मैंने पहले बताया, 18 में लोकेटेड है और 18 इस्लामाबाद और रावलपिंडी का एक सबसे अभी तक का लग्जोरियस प्रोजेक्ट है। केबीडी टावर बेसिकली 18 में उसके द कोर, जो कि इनका बिजनेस सेंटर है, वहाँ पर लोकेटेड है। केबीडी टावर की जो लोकेशन है वो बिल्कुल 18 के स्टार्टिंग उसके एंट्रेंस पे है। और ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि अपनी शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने ब्रांड्स के ब्रांचेस खोलना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने ऑफिस स्टार्ट करना चाहते हैं और किसी ऐसी जगह पर जाकर अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं जहाँ पर उनके बिजनेसेस, उनकी शॉप्स, उनके ब्रांड्स वो एक्सपैंड हो सकें, उन लोगों के लिए ये एक बेहतरीन लोकेशन और एक बेहतरीन मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। अब केबीडी टावर के फ्लोर प्लान की तरफ आते हुए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो शॉप्स के लिए रिजर्व है और उसके बाद 1 से लेकर 9 जो उसके फ्लोर्स हैं वो कम्प्लीटली कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए रिजर्व हैं। तो ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है उन लोगों के लिए जो कि ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ पर उनके बिजनेस की ग्रोथ हो सके, जैसे कि डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो अपनी आउटलेट्स खोलना चाहते हैं, उनके लिए ऑफिसेज की और शॉप्स की जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छी लोकेशन की वजह से बहुत अच्छी ऑप्शन है। और उसके अलावा जो लोग अपने ऑफिसेज वगैरह बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो एक ऐसी लोकेशन पर हो जहाँ पर तमाम रोड्स, मेन रोड्स वगैरह कनेक्टेड हों और ईजिली एक्सेसिबल हो दूसरे लोगों के लिए, उन लोगों के लिए ये इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली ये देखते हुए कि ये इंतहाई मुनासिब रेट्स के ऊपर मौजूद है। और अब बात करते हैं केबीडी टावर की लोकेशन के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि केबीडी टावर 18 के अंदर लोकेटेड है, उनका जो बिजनेस केयर है द कोर के नाम से वो वहाँ पर लोकेटेड है। तो ये एक बेहतरीन लोकेशन पे मौजूद है क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो रोड्स हैं उसके साथ कनेक्टेड है और उसके अलावा श्रीनगर हाईवे भी इसके बहुत ही करीब है, तो एक बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद है। और उसके अलावा 18 के अंदर भी एंट्रेंस होते साथ ही उनका बिजनेस केयर है जहाँ पर ये लोकेटेड है। तो ये उन लोगों के लिए जो ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने शॉप ब्रांड्स के आउटलेट्स खोलना चाहते हैं जहाँ से तमाम लोगों के लिए वो ईजी एक्सेसिबल हो, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और उन लोगों के लिए जो अपने ऑफिसेज खोलना चाहते हैं, अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है अपनी इस लोकेशन की वजह से, क्योंकि ये बहुत ईजीली हर जगह से एक्सेसिबल है। और अब केबीडी टावर जो अंदर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसकी बात करते हैं। चूँकि ये 18 के अंदर लोकेटेड है और 18 में तमाम सहूलियात ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सेंटर, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, डाइनिंग्स, इंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए गोल्फ कार्ट और 24/7 वहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम है। तो ये इसमें तमाम वो सहूलियात मौजूद हैं जो कि एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। अब बात करते हैं केबीडी टावर के डेवलपर्स के बारे में। केबीडी टावर कोहिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है और कोहिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑलरेडी अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स विद इन टाइम डिलीवर कर चुके हैं, तो ये कम्प्लीटली क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी डेवलपर्स हैं। इनके जो कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनका नाम है जरकून हाइट्स, सिटी सेंटर, इसके अलावा भी इनके और कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कम्प्लीटेड हैं, तो ये कम्प्लीटली ट्रस्टवर्दी डेवलपर्स हैं। और अब बात करते हैं केबीडी टावर के NOC और लीगैलिटीज़ के बारे में। चूँकि केबीडी टावर 18 के अंदर लोकेटेड है और 18 के दो फेजेस हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2, तो केबीडी टावर फेज़ 1 के अंदर उनके बिजनेस केयर में आता है जो कि RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है, तो ये भी RDA के अंदर ही आता है और ये कम्प्लीटली लीगल प्रोजेक्ट है। अब केबीडी टावर के प्राइस प्लान के बारे में बात करते हैं। केबीडी टावर की जो बुकिंग है वो 15% से स्टार्ट हो जाती है और इसके जो पर स्क्वायर फीट प्राइस है शॉप्स के, ऑफिसेज के, वो मैं उसके बारे में आगे बताऊंगी और आप स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। तो जो इसके ग्राउंड फ्लोर पर स्क्वायर फीट प्राइस है वो है 55,000 रुपीज़ और उसके बाद फर्स्ट से लेके फोर्थ फ्लोर के जो पर स्क्वायर फीट प्राइस है वो है 28,000 रुपीज़ और उसके बाद फिफ्थ फ्लोर से नाइन्थ फ्लोर तक जो उसकी पर स्क्वायर फीट प्राइस है वो है 34,000 रुपीज़ ओनली। और अब मैं मिनिमम और मैक्सिमम के हिसाब से इनकी जो प्राइसेस हैं उनका ब्रेकडाउन मैं बताऊंगी कि इनकी जो मिनिमम प्राइस है शॉप की वो कहाँ से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, और इसी तरह ऑफिसेज का जो मिनिमम जो सबसे कम प्राइस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, और उसका भी जो ब्रेकडाउन है आप वो स्क्रीन पर देख सकेंगे आगे। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर जो शॉप्स के लिए रिजर्व है उसका जो मिनिमम साइज़ है वो स्टार्ट होता है 527.17 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम जाता है 738.72 स्क्वायर फीट तक, और जो इसके मिनिमम साइज़ की टोटल प्राइस है वो है 2,89,94,350 रुपीज़, और उसके अलावा जो इनके मैक्सिमम साइज़ की जो टोटल प्राइस है वो है 4,62,09,600 रुपीज़ ओनली। उसके बाद आते हैं फर्स्ट से लेके फोर्थ फ्लोर तक जो कि ऑफिसेज के लिए रिजर्व है, उसका जो मिनिमम साइज़ है वो स्टार्ट होता है 826.27 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम जाता है 1,499.36 स्क्वायर फीट तक, और इसके मिनिमम स्क्वायर फीट की जो टोटल प्राइस है वो है
2,31,35,560 rupees. और इसके अलावा जो इसके मैक्सिमम साइज की जो टोटल प्राइस है वो है 4,19,82,080 rupees ऑनली. अब आते हैं 5 से लेकर 9 फ्लोर तक. तो जो 5 से लेकर 9 फ्लोर तक का मिनिमम साइज है वो है 826.27 स्क्वायर फीट और जो इसका मैक्सिमम साइज है वो है 1,499.36 स्क्वायर फीट और जो इसके मिनिमम साइज की टोटल प्राइस है वो है 2,80,93,180 rupees और जो इसके मैक्सिमम साइज की टोटल प्राइस है वो है 5,77,06,960 rupees ओनली. और अब केबीडी टावर के डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में बात करते हैं. तो इनकी जो केबीडी टावर की जो डिगिंग है एक्सकेवेशन वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और ये बाय द एंड ऑफ 2024 दिसंबर अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे. अब केबीडी टावर के बुकिंग प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं. तो इनका बुकिंग प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है. बुकिंग के लिए चाहिए होंगी जो मेन एप्लीकेंट है उनकी 2 CNIC कॉपीज और 2 पासपोर्ट साइज इमेजेस और उसके अलावा जो नॉमिनी है उसकी 2 CNIC कॉपीज और 2 पासपोर्ट साइज इमेजेस. और ये थी केबीडी टावर की तमाम इन्फॉर्मेशन. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको केबीडी टावर के बारे में जो भी आप लोगों के सवालात होंगे काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे. और उसके अलावा भी मज़ीद अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं और आपके सवालात हैं तो आप हमेशा amana.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जैसे कि आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप जब चाहे वहाँ पर कॉल करके तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. आप कॉमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ जिनके बारे में आपको लगता है वो इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं. और अगली दफ़ा तक के लिए मारिया खान को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. amanat.com पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल. मशवरा अमानत है.